उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। सर्दी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 52 ट्रेनें लेट हैं और एक ट्रेन को रद्द किया गया है जबकि 5 को रिशेड्यूल किया गया है। वहीं कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। आपको बता दें पूरे उत्तर भारत में कोहरे की चपेट में लोगों को परेशानियां लोगों की बढ़ी हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, सुबह से ही आप फील्ड में हैं, किस तरह की ठंड है आज? स्वाति, आज रोज की अपेक्षा ठंड ज्यादा है क्योंकि जो तापमान में कमी आई है, अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है, वहीं अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो 24 डिग्री है। यानी कि पिछले दो दिनों में कल और आज में न्यूनतम तापमान में कमी आई है जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ी है। वहीं आपको बताते हैं कि इसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा है क्योंकि मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में अभी कोहरा पूरे जनवरी में रहेगा, मतलब दिसंबर तो चला ही गया, जनवरी में भी वहां पे कोहरा रहेगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कभी कोहरा होगा, कभी मौसम साफ होगा। आप देख रहे हैं कि दो दिन से यहां पर भी कोहरा देखने के लिए मिल रहा है जिसका पूरा असर यातायात पे पड़ रहा है। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो आज भी एक ट्रेन कैंसिल है, 5 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है और 52 ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं। जब दिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे इन ट्रेन के आंकड़ों में भी अंतर आने लगता है। कुछ और ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं तो कुछ ट्रेनें और देरी से बढ़ जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मौसम विभाग की माने तो अभी जैसे जैसे दिसंबर बीतेगा ठंड भी बढ़ेगी और कोहरा भी बढ़ेगा। तो दिल्ली एनसीआर में खासकर उन लोगों की मुश्किल स्वाति ज्यादा हो गई है जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं या जिनके लिए हर बार रैन बसेरा बनाया जाता है ताकि उनको ठंड से बचाव हो सके। कुछ जगहों पे जो पुराने रैन बसेरे हैं वो तो अब भी हैं लेकिन जो नए रैन बसेरों की बात की गई थी वो अभी तक नहीं बना है। तो ऐसे में अगर उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो ये बढ़ती हुई ठंड जो है उनके लिए मुसीबत पैदा करेगी। बिल्कुल सर्वेश, मुसीबत पैदा हो सकती है क्योंकि प्रशासन वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लोगों की परेशानियों को उन्हें क्या मतलब इन सब चीजों से। लेकिन सर्वेश, अगर बात करें तो यातायात को जो परेशानी हो रही है, रेलवे की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ट्रेन काफी लेट है, कोई ट्रेन 14 घंटे लेट है, कोई 15 घंटे लेट है जो रद्द किए गए हैं, क्या जो इन सारी जो ये सूचनाएं हैं यात्रियों तक ढंग से पहुंच पा रही है? देखिए स्वाति, यही सबसे बड़ी मुश्किल है यात्रियों की, ये सूचनाएं उनको पहले से दी नहीं जा रही हैं। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि वो लगातार मीडिया में अपने गाड़ी की संख्या और नंबर फ्लैश कर रहे हैं ताकि जो लोग अपने घर से निकल रहे हैं सफर करने के लिए वो पहले ही देख लें, उसके साथ ही जितने भी रेलवे के इंक्वायरी नंबर हैं उस पर वो फोन करके पूछ लें। लेकिन उससे बड़ी मुश्किल जो सबसे बड़ी आ रही है उनको कि जो ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं उसका रिजर्वेशन कैंसिल करवाने में उनको वो चार्ज भुगतान करना पड़ रहा है जो लग रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो इनकी गलती नहीं है। मौसम की वजह से रेलवे की अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो रेलवे को इसमें उनको रियायत देनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कई तरह से जो यात्री हैं उन पे इस मौसम की मार पड़ रही है, एक तो ट्रेन देरी से हो रही है, कई लोग ऐसे हैं जो गांव से आते हैं और वो नेट से फेमिलियर नहीं है या वो इंक्वायरी ट्रेन की नहीं कर पाते हैं, ऐसे में उनको पूरी रात पूरे दिन स्टेशन पे बैठना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि वो ट्रेन इतनी ज्यादा लेट हो गई है कि उसको आज के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 12 से 24 घंटे रेलवे स्टेशन पे इंतजार करते हैं, तो उन सारे लोगों की मुश्किल ज्यादा है। बिल्कुल सर्वेश, तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें ठंड ने बढ़ा दी है। शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।